हिचकता ही नहीं चलेगी, इसके बाद से हिचकता ही नहीं चलेगी। और हिचकता ही बंद करो, जल्दी तक हिचकता ही बंद करो। प्रदर्शन करने में उतारू है सरकार के सारे बंद करो। युवा विरोधी सरकार स्लोगन के साथ जो है विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। झारखंड युवा बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, झारखंड युवा को रोजगार देना होगा, झारखंड बेरोजगार को रोजगार देना होगा, झारखंड बेरोजगार को रोजगार देना होगा। नीति स्पष्ट करो, नियंत्रण नीति स्पष्ट करो, नियंत्रण नीति स्पष्ट करो, भगोड़ा मुख्यमंत्री नियोजन नीति स्पष्ट करो, भगोड़ा मुख्यमंत्री नियोजन नीति स्पष्ट करो, नियोजन नीति स्पष्ट करो। हेमंत सोरेन हाय हाय, झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों के द्वारा राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर हाथों में विभिन्न मुद्दों के तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में नियोजन नीति और झारखंड के युवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख तौर पर रहा और इसी मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर भी विपक्षी पार्टी के विधायक प्रमुखता के साथ उठाएंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक दल के नेता का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करनी सभी का अधिकार है। जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक में रखा जा रहा है और बेरोजगार युवाओं और झारखंडी जनता के हित के लिए पहल नहीं की जा रही है, इसे लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम आवाज लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन ये सदन पे प्रति ये सरकार तो उदासीन बनी हुई है, इनको तो कोई इसमें गंभीरता है नहीं। अगर गंभीरता रहता तो नेता सदन देशाटन करते हुए नहीं घूमते, सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। ये तो साफ दिखलाता है कि सरकार का कोई भी अपना जो है इसके प्रति संजीदगी नहीं है, कोई इसके प्रति गंभीरता नहीं है और सदन के प्रति उत्तरदायी अपने आप को नहीं मानते। वहीं विपक्षी विधायकों के विरोध प्रदर्शन के विषय में सत्ता पक्ष विधायक का कहना है कि जब सत्ता में विपक्षी पार्टी रही तब राज्य और जनता के हित को अनदेखा करने का काम किया गया और जब अभी वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जनहित में लगातार कार्य किया जा रहा है तब बौखलाहट में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आज तक ये लोग सत्ता में रहते हुए जो किए कि राज्य की जनता के हितों अधिकारों को अनदेखा इन लोगों ने करने का काम किया, आज जब इनके कलेजे पर आज सांप लौट रहा है क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ी है। नियोजन नीति स्पष्ट तो ये अब देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है, तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। मिथिलेश जी, नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रही है, रोजगार भी देंगे और रोजगार का देने का आईना इन्हें हम लोगों ने दिखा दिया है और सभी जितने भी आज बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं उनको ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनका हक अगर छीनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीना है। जिस समय हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की थी उस समय ये क्यों विधानसभा में क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी, इन्हें दौड़ाएगी जनता, इन्हें अपने क्षेत्र से लेकर और पूरे राज्य से बाहर करने का काम करेगी जनता। ये दोहरी नीति अपनाते हैं, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी से। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।